मेडिकल कॉलेज के सरकारी लैब में लीवर और किडनी के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिस कारण मरीजों को इस मेडिकल कॉलेज के भीतर ही चल रही प्राइवेट लैब में भेजा जा रहा है। लेकिन वहां भी बहुत से टेस्ट ना होने के कारण मरीजों को असुविधा हो रही है। इस प्राइवेट लैब में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त टेस्ट की सुविधा सरकार ने दे रखी है। यहाँ भी टेस्ट ना होने के कारण उन मरीजों को मेडिकल कॉलेज के बाहर प्राइवेट लैब में जाकर टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं और उसके पैसे भरने पड़ रहे हैं। मरीज को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। सरकार ने बहुत से टेस्ट फ्री कर रखे हैं, लेकिन यहाँ टेस्ट ना होने के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या ये कि हमें पहले बोला कि आप कि ये क्या है, ये कौन सा रूम था? 222 में जाओ टेस्ट करवाने के लिए। उसके बाद 600 बताने में बोला कि 600 बताने में अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बोला वहाँ पे बंद हो गया। तो हम इतनी दूर से हैं तो हम कहाँ पे जाएं? वो हम मुश्किल बहुत है कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की जिंदगी बुरा वहाँ पे। तो हमें हम दो जगह आए तो वहाँ पे भी नहीं हमारे टेस्ट, तो हमें ये भी नहीं पता वहाँ क्या करें। छे सौ चाली वाले 12 बजे बंद नहीं कर दिया। सीएमओ डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने भी प्राइवेट लैब का दौरा किया है और यहां जल्द टेस्ट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज है हमीरपुर में, तो वहां पे कुछ टेस्ट की असुविधा हो रही थी कुछ लोगों का। तो हम वहां पे गए तो वहां पे दो लैब जो कार्यरत हैं, एक तो हमारी गवर्नमेंट की लैब चलती है और दूसरा जो है एक और सोर्स लैब है जो कि पूरे हिमाचल में कवर करती है, डायग्नोस्टिक एंड टेस्टिंग कृष्णा लैब, जिसके 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो हमने वहां पे दौरा भी किया, प्रिंसिपल से मिले और माइक्रोबायोलॉजी वाले से मिले। तो हम प्राइवेट लैब में गए जो और सोर्स लैब है कृष्णा वाले की लैब में गए। तो वहां पे जब हमने वहां पे इंचार्ज से बात की तो उन्होंने कहा कि रात को कल 11:30-12 बजे के बीच में हमारी एक जो बायोकेमिस्ट्री की जो मशीन होती है वो शट डाउन हो गई थी, बंद हो गई थी उसमें। और जब हमने देखा भी तो उसमें इंजीनियर जो उन्होंने बुलाए हुए थे उन्होंने बताया कि टांडा से आगे हैं और मशीन को ठीक कर रहे हैं। जब हम गए एक 1:15 बजे आज तो भी मशीन की रिपेयर जो थी वो चली हुई थी। और हमने ये पता किया कि कब तक ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा कि शायद शाम तक जो वो ठीक हो जाएगी, वो हमें रिपोर्ट आ जाएगी कब ठीक हुई। लेकिन हमारी जो सरकारी लैब की थी जो मशीन है वहां पे टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी रश बढ़ जाता है क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज की कृष्णा लैब है और सोर्स लैब जो है ये हमारे फील्ड के जितने भी टेस्ट होते हैं ये हब बना हुआ है ब्लॉकों के लिए भी। तो ब्लॉक जो हमारे 6 ब्लॉक है वहां से भी टेस्ट जो है यहीं पे आते हैं, तो इस पे लोड बहुत ज्यादा है और शायद इसी की वजह से इसका थोड़ा मशीन में शटडाउन हुआ है, खराबी आई होगी। तो हमने उनसे कहा है कि एक तो हमारी जो ब्लॉक लेवल पे जो हब बने हुए हैं, हब जो होता है हमारा पीएससी के टेस्ट आएंगे ब्लॉक में और वहीं पे मशीन के द्वारा वहीं पे टेस्ट कर दिया जाएगा, तो वहां पे मशीन को लगाएं। ये ब्लॉक्स हमारे कुछ दूर भी हैं, बर्सर डाउन और भोरे 3 ब्लॉक हमारे दूर भी पड़ते हैं, तो अगर वहां पे मशीनें लग जाती हैं तो उसमें वह उसी टाइम में हमारे टेस्ट वहां पे हो जाएंगे
और डिस्ट्रिक्ट कन्वर्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निर्देश दिए हैं और उनको ये भी कहा कि 15-20 दिन के बाद एक मीटिंग भी हम करेंगे आप लोगों के साथ, क्योंकि ब्लॉक से भी कई कुछ कंप्लेंट आती है हमारे पास टेस्टिंग के बारे में, उन चीजों का भी समाधान किया जाए और मीटिंग में डिस्कस किया जाए कि किस तरह जो है सुधार किया जा सकता है, क्योंकि हिमाचल सरकार ने ये टेस्टिंग जो है वो फ्री दी हुई है, 132 टेस्टिंग को यहाँ पे फ्री करने हैं तो, और ये कर रहे हैं 132, हालांकि उससे ज्यादा कर रहे हैं लेकिन यहाँ 132 टेस्ट फ्री हो रहे हैं। तो सरकार ने जो सुविधा दी है वो घर द्वार पे होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए, और अगर शट डाउन हो जाती है एक मशीन तो बैकअप के लिए कम से कम उसी तरह की और बड़ी मशीनें के पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हमारे जो लोग हैं यहाँ के वो सफर ना करें।